मलमास को कुछ जगह पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान राम के नाम पर पड़ा पुरुषोत्तम मास को लेकर धार्मिक मान्यता है कि अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु हैं और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुराणों में इस मास को लेकर कई धार्मिक रोचक कथाएं भी हैं। हर्षदास मठ के पंडित पवन शर्मा ने बताया कि दान पुण्य पूजा पाठ व श्रीमद् भागवत कथा के लिए मास पुरुषोत्तम मास पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति की गंगा बहती है। इंदौर सहित देश भर में श्रीमद् भागवत कथा प्रसंगों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन के निर्देशों के तहत आयोजन संपन्न हो रहे हैं। यह महीना भगवान विष्णु जी की भक्ति आराधना के लिए माना जाता है। भगवान विष्णु जी की भक्ति उपासना और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। हंसदास मठ पर आयोजित यह प्रोग्राम श्री रामचरण दास जी के सानिध्य में हो रहा है। इसमें 31 विद्वान पंडितों द्वारा प्रतिदिन 9 से 12 दिन से 6 तक पूजा अर्चना की जाएगी और साथ ही ये कोरोना काल में जो दिवंगत हुए उनकी आत्मा शांति के लिए एवं जो कोरोना से मुक्ति के लिए ये पाठ विशेष तौर से इसका पालन करते हुए किया जा रहा है।